जम्मू कश्मीर पे बड़ा एक केस हुआ था शोपियान फेक इनकाउंटर के नाम से, उन दिनों कोविड काफी पीक पर था। रजौरी के वो तीन नौजवान थे, वो काम काज करने मजदूरी करने बेचारी शोपियान गए थे, घर वालों को पता ही नहीं चला, 10-12 दिन से उनका रब्ता ही टूट गया। फिर एक दिन मुझे किसी उनके रिलेटिव की कॉल आई कि यार उन दिनों मैं भी गरीब पर था, कि ऐसे ऐसे तीन लड़के कहीं चले गए थे काम काज करने रजौरी से शोपियान, तो पता नहीं चल रहा होगा। तो खैर मैंने ही वो एप्लीकेशन टाइप करके मिसिंग रिपोर्ट जो है वो फाइल की थी। उसके बाद 73 दिन तक हम लोग जो है वो लड़ते रहे थे उसके लिए आवाज़ बुलंद। तो उस केस के साथ मुझे बड़ी उन पेरेंट्स के साथ, उन माओं के साथ, उन वालदेन के साथ एक बड़ी पर्सनल अटैचमेंट हो गई थी। डरते थे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो खैर वो शोपियान फेक इनकाउंटर तीन जिसमें रजौरी के वो लड़के शोपियान में जो है वो मारे गए थे, बाद में वो केस साबित हुआ। 73 दिन के बाद बॉडीज़ जो है वो बारामूला से लाई, मैं खुद आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, मैंने खुद अपने हाथ से इनफेक्ट बॉडीज़ भी निकाली, फिर वापस उनको अपने अपने घरों में अपने अपने एरियाज़ में जो है वापस उनको दफन भी किया, क्योंकि 73 दिन तक मैं अपने घर वापस नहीं गया था। मुझे मेरे वालदेन भी पूछते थे आना नहीं है, क्या मसला तेरा, क्या मैं चलो आ जाऊँगा जब आना हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी इंसान की ज़िंदगी में होती है जब इंसान सोचता है कि यार ये काम जो है ये सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, कि उस केस का मैं हिस्सा भी बना और वो केस साबित हुआ कि वो गलत था, वो जो नौजवान थे वो बेगुनाह थे, वो बेचारे मजदूर थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, हमारे गांव में लोग जो हैं दिहाड़ लगाते हैं बेचारे। तो फिर वो वहाँ से शोपियान चले गए रजौरी से बाबू में काम करने के लिए, कि हम दिहाड़ी लगाएंगे थोड़ा बहुत पैसा भी कमाएंगे, नेक्स्ट सीजन जब स्टार्ट होगा तो हम एडमिशन्स भी लेंगे कॉलेज में।